जो ऐसा सोचते हैं कि जिस जगह से मैं जग पड़ा हूं, जिस मंडी ने मुझे इतना ऊंचा पहुंचा दिया, और हमारे इतने अनुभवी नेताओं को, जिन नेताओं ने मूल्यांकन करते बार गलतियां कर दी, वो जो लोग अब पछता रहे हैं, वो लोग पछता रहे हैं मंडी के लोग, वो जैसा मानते हैं, मैं उनको याद करवा दूं, इस मंच से गांधी भवन से बोल रहा हूं, याद करवा रहा हूं, आपकी कलई मंडी वालों ने आपके मुख्यमंत्री होते हुए एक साल पहले निकाल के रख दी थी, जिस वक्त आपने लोकसभा में हारा और 3 विधानसभा हारे आपने, अपने मुख्यमंत्री होते हुए जिला मंडी के 20 विधानसभा क्षेत्रों को हारा, आप तब मुख्यमंत्री थे, तब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मंडी लोकसभा भी आपने गवाई उस वक्त में, और जहां से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको उखाड़ फेंकने की शुरुआत की, पुनः हम यहां से चुनौती दे रहे हैं गांधी के, आज इस गांधी भवन से आपके लिए फिर चुनौती हम मंडी से देने वाले हैं। पार्टी विद डिफरेंस मानता था, जो जो एक राष्ट्रीय नेतृत्व के औरा में जो पार्टी को बढ़ते हुए देखना चाहता था, उसके गले नहीं उतर रहा है। जो तस्वीर अभी मौजूदा समय में मंडी पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय जयराम जी ने अपनी अपनी तो जो वो थी बचाने को साख, इनको दो तरह से अपने आप को बचाना था, एक तो नेता प्रतिपक्ष का जो मजा इनको मिला, मौजूदा सरकार में दनादन घूमते हैं, हमारे मंत्री नहीं घूमते, जितना जितने ताकत के साथ जयराम जी को बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, हाँ बढ़िया बढ़िया पूरी सिक्योरिटी, लाओ लश्कर पूरा, अभी वो मुख्यमंत्री की थस्क से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। इस बार जो है ये मंडी के जो मतदाता हैं, इनको सही तरीके से इस बार इनकी थस्क उतारने वाले हैं। ये तो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है आज भी कल जाएगी, लेकिन हम ये यहां से कहना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत है, ना केवल हम 6 विधानसभा जीतने वाले हैं, बल्कि 2 विधानसभा के हमारे माननीय सदस्य तुम्हें लोकसभा में भी तुम्हारी ठुकाई और करेंगे अच्छी तरह, पूरी तरह, इतनी ताकत है हमारे पास, विधानसभा में हम बहुत कंफर्टेबल है, हमारे नेता जो मजबूत नेता है, जो धुनाई आपकी इस बार होने वाली है लोकसभा के अंदर, आप उसकी तैयारियां करिए, क्योंकि आपने ये सोचा था कि हम मंडी पार्लियामेंट को रक्षा सूत्र लाएंगे, ये रक्षा सूत्र ये होता है, ये रक्षा सूत्र लाया गया है अपनी नेता प्रतिपक्ष को, अपनी कुर्सी बचानी थी मंडी के अंदर, मात लगनी थी, और ये नेता प्रतिपक्ष की भी छुट्टी होनी थी, दिल्ली में नहीं पहुंचना था, और ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया जा रहा है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तो बातें होनी नहीं है, कभी भी नहीं होनी।